चलो चलो जल्दी। लो भाई यहाँ पे आ रही है बरसात, और यूसुफ तो बैठ चुका है गाड़ी में, और अब मैं चलता हूँ स्नान करने के लिए। परी भी चल पड़ी है उठा के बैग। ये परी, यश और मामा जी जा रहे भाई गाड़ी में, मुझे बाइक पर चलना पड़ेगा। अभी पहले तो मैं स्नान करके आता हूँ, नहा के आता हूँ, फिर चलेंगे भैया, फिर जाना पड़ेगा हमें तो यार। चलो कोई बात नहीं, पहले मैं नहा के आता हूँ, फिर चलेंगे। आने के बाद मैं आ गया हूँ घर पे। हम गाय मैया को देके आते हैं। कल हम व्रती थे ना, ग्यास का व्रत था हमारा, तो आज खुलेगा वो खिचड़ी और ये रोटी गाय मैया को देके आते हैं। इसके ऊपर ढक लेते हैं ये, और अब चलते हैं भाई इसको लेके। लो भाई गैया मैया को खिचड़ी देने के बाद अब आ गए हम घर पे। अब मैं खाता हूँ खिचड़ी। खिचड़ी इसलिए खा रहे हैं क्योंकि कल हम हमारा व्रत था एकादशी का, तो इसलिए वो खिचड़ी के साथ खुलता है। तो मैं खिचड़ी डाल लाया हूँ जोत बत्ती लगा के। अब हम ये खिचड़ी खाएंगे। इसको घी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पहले। भाई अभी मैं बना रहा हूँ चटनी। इन मिर्चों को अच्छे से कूट के बनाएंगे हम चटनी, ताकि रोटी के साथ खा सके। तो ठीक है भाई, चटनी मैं बनाता हूँ। ऐसे मिर्ची को कूट कूट के 2 मिनट में चटनी तैयार कर देंगे भैया हम। 2 मिनट। इसमें जीरा नमक मैंने पहले से ही ऐड कर लिया है, और मिर्च इसमें डली ही हुई है। तो हम इसे ऐसे ही 5 मिनट कूटते हैं, फिर ये अच्छी हो जाएगी। लो भैया 5 मिनट कूटने के बाद ऐसी दिखाई पड़ती है ये, बिल्कुल अब सही हो चुकी है। यदि आप इसमें अब सीत डालना चाहें, यानी लस्सी डालना चाहें, लस्सी भी डाल के चटनी बना सकते हैं। और यदि आप इसे ऐसे भी रोटी के साथ खाना चाहें, तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। आप इसको दही में भी डाल सकते हैं, दही में थोड़ा सा वो डालने के लिए अच्छा लगेगा चटपटा। आप इसे दही में भी डाल सकते हैं, मैं इसमें लस्सी ऐड नहीं करूँगा। देखो यहाँ पे ही है 4 मोर। मैंने सोचा क्यों ना आपको भी ये मोर दिखाए जाएं। देखो ये वहाँ पे खेत में है भाई, और अब हम जा रहे हैं खेत में। दोस्तों हम आ गए अब खेत में। मैंने यहाँ से उठा ली है दांती, और अब मैं काटता हूँ थोड़ा सा न्यार। न्यार मैंने वहाँ पे आगे कट करना है। यहाँ पे यहाँ से चल के रास्ते से फिर चलेंगे। ये जो आप ये देख रहे हैं ना, ये खूट्टे से, ये लकड़ी जलाने वाली लकड़ी नहीं है, ये खुट्टे हैं भाई। देखो इन पे ये क्या लगे हुए हैं, क्या आपको पता है? ये झटका मशीन का तार यहाँ से जाता है, ये खुट्टे वहाँ पे गड़ते हैं, और इनमें से तार पूर दिया जाता है इनके अंदर से, ऐसे यहाँ से तार पूर दिया जाता है। और फिर जैसे नील गाय नहीं आती, इससे थोड़ा सा झटका उनको लगता है, झटका मशीन मरते नहीं है भाई इससे, इसलिए हम ये लगाते हैं। और इससे जो फसल होती है उसको काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। इससे यदि इंसान को भी लग जाए, इससे मरेगा नहीं कोई भी इंसान। ये गया तार, ये तार है करंट का तार है, जो झटका मशीन होती है उसका तार है ये। इससे इंसान नहीं मरता, चाहे कितनी बार भी लग जाए। वैसे थोड़ा सा झटका देता तो है, पर कोई ऐसी नहीं है कि जैसे ये जो ये नीचे तार है, ये बिजली होती है, ये बिजली खतरनाक होती है। जो ये तार है, ये तार खतरनाक नहीं होता, ये सिर्फ थोड़ा सा झटका देता है। कुत्ते नहीं आते इससे, बिल्ली नहीं घुसती इसमें, फसल में किसानों का नुकसान होने से बच जाता है। तो हमने जो यहाँ पे प्योद लगा रखी है ना दोस्तों, इस प्योद के चारों तरफ से हमने ये तार पूर रखा है। ये देखिए ये तार है, अब मैं करंट बंद करके आ गया हूँ, नहीं तो इसमें झटका लगता। इसके चारों तरफ से हमने ये तार कर रखा है, और ऊपर मच्छरदानी है ताकि बारिश आए तो सीधा
पेड़े पर ना पड़े, पौधे पर ना लगे सीधी बारिश और ख़राब ना हो। मैं यहाँ से कटवाता हूँ थोड़ा नया। लो भैया, अब हमने खेत बा दिया है, अब हम खुद काटते टमाटर के। इसको सूधा करना पड़ेगा पहले, इसको पहले करना पड़ेगा सूधा। अरे रे, ये सूधा हो गया भाई। अब वहाँ पर खुद काटेंगे, इसको जोड़ देता हूँ मैं एक बार। लो भाई, हमने ये खुद खींच दिए हैं ट्रैक्टर से, और अब मैं इसके पट्टों को मिलाऊंगा। अब पहले तो एक पट्टा क्लियर कर देता हूँ, फिर एक हम कल कर लेंगे भाई। काम स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ ट्यूबवेल पे। पानी को हम इस डिब्बे में डाल लेते हैं ताकि अच्छे से पिया जाए। और इसमें थोड़ी थोड़ी रेत भी आ रही भाई, रेत अच्छे से बैठ जाएगी, फिर हम पानी को पीते हैं। देखो भाई, सूर्य भी छिपने वाला है। अब देखो सूरज का पानी में कैसे प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। देखो अब मैं करता हूँ काम स्टार्ट, एक पट्टा तो मैंने करना ही है। ठीक है दोस्तों, अब हम करते हैं काम को चालू।